अब इन ऑब्जेक्टिव्स को देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 694, क्वेश्चन नंबर 694, यूनिलैटरल इंजरी ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व लीड्स टू ऑल एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है यूनिलैटरल इंजरी टू हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व लीड्स टू ऑल एक्सेप्ट। यूनिलैटरल इंजरी टू हाइपोग्लोसल नर्व लीड्स टू ऑल एक्सेप्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, नंबर ए हेमी एट्रोफी ऑफ इन्वॉल्व साइड, हेमी एट्रोफी ऑफ इन्वॉल्व साइड, ऑप्शन बी डेविएशन ऑफ टंग टुवर्ड्स सेम साइड, डेविएशन ऑफ टंग टुवर्ड सेम साइड, सेम साइड ऑप्शन सी लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इन वन हाफ ऑफ द टंग, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इन वन हाफ, इन वन हाफ ऑफ द टंग, ऑप्शन डी फैसिकुलेशन ऑफ द टंग, फैसिकुलेशन ऑफ द टंग, फैसिकुलेशन ऑफ द टंग। फिर से क्वेश्चन देखिए, यूनिलैटरल इंजरी टू हाइपोग्लोसल नर्व लीड्स टू ऑल एक्सेप्ट, हेमियाट्रोफी ऑफ इन्वॉल्व साइड, डेविएशन ऑफ टंग टुवर्ड्स द सेम साइड, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इन वन हाफ ऑफ द टंग या फैसिकुलेशन ऑफ द टंग। एंड द राइट आंसर इज सी, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इन वन हाफ ऑफ द टंग नहीं होगी, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इन वन हाफ ऑफ द टंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 695 देखिए, क्वेश्चन नंबर 695, मसल्स पेयर्ड बाय कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, मसल्स पेयर्ड बाय कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व मसल्स पेयर बाय कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, कौन सी है। ऑप्शन वन क्राइकोफेरिंग्स, ऑप्शन टू पैलेटोफेरिंग्स, ऑप्शन थ्री स्टाइलोफेरिंग्स, या ऑप्शन फोर सेल्पिंगोफेरिंग्स। फिर से देखिए, मसल्स पेयर्ड बाय कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्विस, क्राइकोफेरिंग्स, पैलेटोफेरिंग्स, स्टाइलोफेरिंग्स, सेल्पिंगोफेरिंग्स, एंड द राइट आंसर इज स्टाइलोफेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 696 देखिए, क्वेश्चन नंबर 696, एक मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एक मिनट, 696 में पूछ रहे अ 50 year old female has undergone mastectomy, underwent mastectomy for CA breast after mastectomy patient is not able to extend
patient is not able to extend adduct and internally rotate the arm internally rotate the arm ठीक है ना. Nerve supply to which of the following muscle is damaged. Is damaged. ठीक है, फिर से देखिए. A 50-year female underwent mastectomy for CA breast. After mastectomy, patient is not able to extend adduct and internally rotate the arm. Nerve supply to which muscle is damaged? Option 1, pectoralis major. Option 1, pectoralis major. Option 2, teres minor. Option 3, latissimus dorsi. Option 4, long head of triceps. This option. 50-year female underwent mastectomy for CA breast. After mastectomy, patient is not able to extend adduct and internally rotate the arm. Nerve supply to which muscle is damaged? Pectoralis major, teres minor, latissimus dorsi, a long head of triceps. The right answer is C, latissimus dorsi. Question number 697. क्या पूछ रहे हैं? Which of the following is true? तो true कौन सी है? ये आपको ढूंढ के निकालनी है. ऑप्शन 1, हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम. ऑप्शन 2, ऑक्सीपिटल लोब इज पार्ट ऑफ सेरेब्रम. ऑप्शन 3, मेड्यूला इज पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम. ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबोव. फिर से देखिए, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ऑक्सीपिटल लोब इज पार्ट ऑफ सेरेब्रम, मेड्यूला इज पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबोव. एंड द राइट आंसर इज बी, ऑक्सीपिटल लोब इज पार्ट ऑफ सेरेब्रम. ये इकलौता ट्रू स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 698. सर्विकल वर्टेब्रा इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम थोरासिक वर्टेब्रा बाय द प्रेजेंस ऑफ. लिखिए, सर्विकल वर्टेब्रा इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम थोरैसिक वर्टेब्रा बाय प्रेजेंस ऑफ. ऑप्शन 1, लार्ज वर्टेब्रल बॉडी. ऑप्शन 2, अपवर्ड फेसिंग फैसेट्स. ऑप्शन 3, ट्रायंगुलर फोरामिना. ट्रायंगुलर फोरामिना. या ऑप्शन 4, फोरामेन ट्रांसवर्सरियम.
इसे देखिए, सर्विकल वर्टेब्रा इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम थोरेसिक वर्टेब्रा बाय प्रेजेंस ऑफ लार्ज वर्टेब्रल बॉडी, अपवर्ड फेसिंग फेसेट, ट्रायंगुलर फोरामिना या फोरामेन ट्रांसवर्सरियम। एंड द राइट आंसर इज डी, फोरामेन ट्रांसवर्सरियम, फोरामेन ट्रांसवर्सरियम। क्वेश्चन नंबर 699 देखिए, क्वेश्चन नंबर 699, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्ट्स फ्रॉम। ऑप्शन वन, पोस्टेरो बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, पोस्टेरो बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, पोस्टेरो बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल। ऑप्शन टू, बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल। ऑप्शन थ्री, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। या ऑप्शन फोर, लेफ्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर से क्वेश्चन देखिए, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, पोस्टेरो बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम या लेफ्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड द राइट आंसर इज डी, लेफ्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्वेश्चन नंबर 700 देखिए, क्वेश्चन नंबर 700, ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज, ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू ब्रेन, ब्लड फ्लो टू ब्रेन के साथ क्या होता है? ऑप्शन वन डिक्रीजेस, ऑप्शन वन डिक्रीजेस, ऑप्शन टू इंक्रीजेस, ऑप्शन टू इंक्रीजेस, ऑप्शन थ्री नो इफेक्ट, ऑप्शन थ्री नो इफेक्ट, या ऑप्शन फोर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। फिर से, ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू ब्रेन, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, नो इफेक्ट, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। एंड द राइट आंसर इज सी, नो इफेक्ट। राइट आंसर इज सी, नो इफेक्ट, ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू ब्रेन इज नो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 701 देखिए, क्वेश्चन नंबर 701, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ ADH एक्सेप्ट, तो फॉल्स अबाउट ADH, फॉल्स अबाउट ADH क्या है? ऑप्शन वन, पोस्ट ऑपरेटिव इंक्रीज इन सिक्रेशन, पोस्ट ऑपरेटिव इंक्रीज इन सिक्रेशन, पोस्ट ऑपरेटिव इंक्रीज इन सिक्रेशन। ऑप्शन टू न्यूरोसिक्रेशन, ऑप्शन टू न्यूरोसिक्रेशन, ऑप्शन थ्री इंक्रीज सिक्रेशन इन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इज लो, इंक्रीज सिक्रेशन व्हेन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इज लो, ऑप्शन फोर एक्ट ऑन डिस्टल ट्यूबुलर इंक्रीज परमिएबिलिटी, एक्ट ऑन DCT एंड इंक्रीज परमिएबिलिटी। फिर से क्वेश्चन देखिए, फॉल्स अबाउट ADH, पोस्ट ऑपरेटिव इंक्रीज इन सिक्रेशन, न्यूरोसिक्रेशन, इंक्रीज सिक्रेशन व्हेन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इज लो, या एक्ट ऑन DCT एंड इंक्रीज परमिएबिलिटी। एंड द राइट आंसर इज इंक्रीज सिक्रेशन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इज लो, ये गलत है। इंक्रीज सिक्रेशन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इज लो नहीं, हाई होना चाहिए। बाकी पोस्ट ऑफ इंक्रीज इन सिक्रेशन होती है, न्यूरोसिक्रेशन होती है, एंड एक्ट ऑन DCT एंड इंक्रीज परमिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 702 देखिए, क्वेश्चन 702, व्हिच साइंटिफिक प्रिंसिपल इज बेसिस फॉर थर्मो डाइल्यूशन मेथड यूज टू मेजर द कार्डियक आउटपुट बाय पल्मोनरी कैथेटर, तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ थर्मोडाइल्यूशन,
थर्मोडाइल्यूशन, एक मिनट, आज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आज के लिए इतने ही, थैंक यू।